लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान की तारीख तय हो गई है। सिडको एमडी डॉक्टर संजय मुखर्जी ने एक लंबे ट्वीट के जरिए एयरपोर्ट के निर्माण स्थिति की जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट का प्राथमिक कार्य पूरा हो गया है जबकि एडवांस कार्य प्रगति पथ पर है। हालांकि यहां से पहली उड़ान दिसंबर 2024 से पहले नहीं हो सकेगी। जाहिर है नवी मुंबई करों को एयरपोर्ट के लिए अभी 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। नामकरण के विवादों में घिरे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान कब होगी इसकी तारीख तय हो गई है। सिडको महामंडल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजय मुखर्जी के ट्वीट की माने तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उल्वे नदी के साथ ही हाई वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन को शिफ्ट करने का काम पूरा हो चुका है। इसके संचालन से जुड़ी एडवांस सुविधाओं का विकास कार्य प्रगति पथ पर है। एयरपोर्ट के लिए कुल जमीनों में से सिर्फ 3 हेक्टेयर लैंड का हस्तांतरण ही बाकी है। सिडको एमडी संजय मुखर्जी ने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में साफ लिखा है कि अक्सर लोग एयरपोर्ट की प्रगति पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान दिसंबर 2024 तक संभव हो सकेगी। यानी नवी मुंबई करों को अभी अपने नज़दीकी हवाई अड्डा से उड़ान के लिए 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अब जरा उस ट्वीट पर गौर से नज़र डालते हैं। सिडको एमडी ने इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ ही वाटर ट्रांसपोर्ट, सीएसटी पनवेल फास्ट ट्रेन और एमटीएचएल जैसे प्रोजेक्ट को लेकर भी जानकारी साझा की है। पोस्ट में नवी मुंबई एयरपोर्ट के जरिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने का भी दावा किया गया है। इतना ही नहीं, सिडको एमडी ने लिखा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला अर्बन ड्यूल एयरपोर्ट होगा जहां कार्गो और पैसेंजर फ्लाइट सुविधाएं दोनों एक साथ उपलब्ध होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।